चंदन कुमार हूँ और आज से हमने अपना बिहार डेलीगेशन यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया है। अगर आपको हमारी यूट्यूब की वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। पहले छठ उठाई एही से रउरा के बोलाई, मैं खुद सिंगर हूँ, ठीक है। मैं सिंगर हूँ अनिल कुमार राम, मथुरा से। मैं सिंगर गाना गाता हूँ, ठीक है। और बेस्ट मुझे उम्मीद है, ठीक है। बता दो क्या छठी मैक नाथ पे, छठी मैक नाथ पे जोर जोर नारिया रे, जोर जोर नारिया तो है चढ़ाई बोना, छठी मैया तो है चढ़ाई बोना, ये हमार हो अरगिया, छठी मैया तो है चढ़ाई बोना। मैं जा रहा हूँ पटना, मैं सिंगर हूँ, गाना गाता हूँ मैं। और अब सभी कब आइएगा मारा सुधरवा धन से सुगा धीरे मोर छाए, सुगा धीरे मोर छाए, सुगा नीर जरूर रे बियोगा से दीना न भरोसा। आप जाइए, आप जाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ पे हैं, हम कलकत्ता से आए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहे हैं। काल से शाम तक हमें तो कविता भी लिखा है इसके बारे में। कविता लिखा सर? हाँ, ये हमारे साथ अभी पश्चिम बंगाल से आए हैं, कलकत्ता से। পশ্চিম বাংলা বাংলা আপনার বিহারী তো বাঙালি বাঙালি আছে। देखिए, ये पश्चिम बंगाल से आए हैं और इनकी आस्था इतनी है कि इनका सिर्फ छठ त्योहार को लेके मतलब इतने खुश है कि ये एक बिहार के त्योहार को मनाने के लिए आए।
सामने देखे नाव वगैरह बर्मन हुआ, तो मैं थोड़ा बहुत बंगाली समझता था, बाकी से बात बाकी ये अब इनकी कविता आप देखता हूँ, इन्होंने कविता की रचना बंगला में की है या हिंदी में की है? बंगला में किया है। आ, बंगला में। तो आपको सर हिंदी में अर्थ भी बताना पड़ेगा। आपको बता देगा, नाइको कोनो पॉट, नाइको कोनो घाट, आछे माँ शुधु नदी तट, पूजा अमार मायर छट, মাথায় করে কলার তটি, করি যে সব ছোটা ছুটি, বক্ষে সবার বিরুণ ছুটি, অস্ত গেলে প্রথম পূজার পূজাটি, রাত্রি শেষে বরন্তি, মাথা নোয়াই গুটি, তুমি যে মা আমার ছটি, এইখানে রয়েছে তুমি যে মা আমার ছটি, সবই মঙ্গল মা তোমার ছটি। এই হয় যে মা এসকে পূজা কে লিয়ে कोई घाट और पट नहीं लगता है, यहाँ पे जो नदी तट है वहाँ पे हम लोग जाते हैं, उसके बाद केला लेकर उसका पूजा देते हैं, उसके लिए हमको दिल में सब शांति से काम करना, उसी बरुण छुट्टी जो बरुण देव है उसके लिए उसको माने आज से जाने से हम प्रथम पहले पूजा समाप्त करते हैं, और रात्रि शेषे में बरुण जब उठते जागता है हमको लिए जो आशीर्वाद उसको हम लोग चाहते है, वहाँ पे हम लोग भी मंगल छुट्टी को ऐसे पूजा करते हैं। ठीक है, नमस्कार। काल की लिखा है आपने, आपने हमारे मतलब त्योहार को इतना चाहा, इतना हमारे भैया ये लोग ये पश्चिम बंगाल से आए हैं, देखिए पश्चिम बंगाल से आए हम, काली लिखा है ये अपने बिहार के आए थे, लेकिन इतना प्रेम इतना छत के छत के ऊपर कविता लिखा है। सर हमें इस कविता की ना एक पिक्चर मतलब ये फोटो चाहिए, क्योंकि हमें वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालना पड़ता है, जिनकी फोटो अभी ले लेता हूँ आपको थोड़ा सा। हाँ हाँ भैया आप कुछ कहना नीचे है ना? आप क्या मतलब बिहार से रिलेटेड है, बिहारी है? बिहार से रिलेटेड है, थोड़ा बिहारी नहीं है। नहीं मेरा जैसे की बॉर्न एंड वॉटर पार्क है, बॉर्न एंड वॉटर पार्क शहर में भी होता है, बिहार के बाहर भी, सीधे देश में ही बदल जाता है। मेरे माता पिता यहाँ बॉर्न एंड वॉटर हुए हैं, लेकिन हम बाहर उत्तर प्रदेश और मोस्टली दिल्ली और महाराष्ट्र में रहे। यहाँ पे आए, यहाँ पे संस्कृति कल्चर वगैरह देखा आपने, यहाँ पे क्या सीखा? ज्यादा कुछ नहीं सीखा, बस ये जो पर्व है ये लोगों को मिलाने के लिए होता है जनरली, कि मोस्टली जो लोग हैं वो आज के डेट में टेक्नोलॉजी की वजह से दूर दूर हो गए हैं, और टेक्नोलॉजी की वजह से पास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो त्योहार है इसमें ये होता है कि लोग आके दूर दूर जगह से एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ टचअप करने का मौका मिलता है। सर हमारे एक टैगलाइन है, उसमें अपने जो भी पार्टिसिपेंटों से सवाल पूछ रहे हैं कि छठ क्यों जरूरी है, आपके हिसाब से छठ क्यों जरूरी है? मेरे लिए बस ये जरूरी है कि लोग टेक्नोलॉजी के जमाने में आजकल मतलब दूर दूर से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, पर पास नहीं आते हैं। ठीक है, तो छठ एक ऐसा त्योहार है जहाँ पे लोग रियलिटी में मतलब एक दूसरे के साथ रहने आते हैं, मिलते हैं, घुल मिलते हैं। हमारे मित्र जिनका जन्म बिहार से बाहर हुआ है, फिर भी उनके माता पिता जो है नेटिव पहले बिहार से ही है, तो उन्होंने बताया कि छठ इसलिए जरूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी में एक हम वर्चुअल लाइफ में होते हैं, वहां से एक रियल लाइफ में आने के लिए जरूरी है छठ, जरूरी है जहाँ की आप रियलिटी में आके त्योहार को समझ पाएंगे। यहाँ पे मैं और लोगों से भी जानना चाहूंगा कि छठ क्यों जरूरी है। हेलो फ्रेंड नमस्कार, मैं हूँ चंदन कुमार बिहार डेलीगेशन से, bihardelegation.com के नाम से। फ्रेंड नमस्कार, मैं हूँ चंदन कुमार और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्दी अपना एक यूट्यूब सुबह के अर्घ को लेके चेचल छठ घाट पे उपस्थित हूँ। यहाँ पे काफी लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा उनका विचार। भैया कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे वर्षों से हम लोग यहाँ टीवी के सामने, आज बहुत दिन वर्षों के बाद हमारे न्यूज चैनल यहाँ पे आए हैं यूट्यूब बिहार, क्योंकि आज हम लोग बहुत खुशी हर्ष की बात है कि आज यूट्यूब चैनल यहाँ पे आए हैं और हमारे घाट का सर्वे करके अच्छा न्यूज देख करके हम लोग को पॉपुलेशन के तरफ ले जाएंगे। ऐसे भी हम मंदिर के अभी अध्यक्ष हैं इस परिसर का, इस पर देख रेख हम लोग के अंदर। हमारे साथ अभी चेचर मंदिर के अध्यक्ष जुड़े हुए, नाम क्या सर आपका? नमो नारायण सिंह। नमो नारायण सिंह है,
और हमारे गांव के पूरे बहुत दूर दूर के लोग देसरी आजमपुर खोरमपुर बिलट चौक चेचर मनमनियारपुर सभी के लोग यहाँ पर छठ व्रत करने के लिए आते हैं और बहुत शुभ चीज है। जो भी यहाँ मैं व्यवस्था आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे इनके तरफ से काफी अच्छा व्यवस्था की गई है, पूरे घाट को सजाया गया है और काफी अच्छी व्यवस्था। करीब यहाँ से आसपास के करीब 20-25 किलोमीटर के आसपास के लोग भी यहाँ इस घाट पे आना प्रीफर करते हैं इनकी व्यवस्था देख के। तो आप लोग भी इस बस तो अगर ना आ पाए तो अगले वर्ष यहाँ आने की कोशिश करें। सर वैसे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, सूर्य भगवान किसलिए सबको पता है। लेकिन सर जैसे अच्छे अच्छे राइटर ने लिखा है कि छठ क्यों जरूरी है, जैसे कोई किसी का बेटा गांव नहीं आ रहा है तो छठ मनाने का इसलिए जरूरी है, लेकिन आपके विचार से छठ क्यों जरूरी है बताना चाहेंगे। छठ ये हम लोग का हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पर्व है और यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं भगवान उनको पूर्ण करते हैं और यहाँ के बाबा जगेश्वरनाथ भी धाम भी है, इसलिए लोग यहाँ पे ज्यादा दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं क्योंकि मन्नत बहुत ज्यादा मांगते हैं और पूर्ण भी होता है यहाँ पे। ऐसे बहुत से लोग यहाँ पे आए, गोर लागे बेटा को नौकरी हुआ और अच्छे से यहाँ पे आए तो द्वारा पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पे आए और हम लोग व्यवस्था अच्छा देते हैं यहाँ पे सब लोग, इसलिए यहाँ पे आकर्षित होकर के पूजा करने के लिए इस घाट पर आते हैं। हमारे गाँव के सभी लोग सभी मेंबर लोग यहाँ पे अच्छे से साफ सफाई करके व्यवस्था करके ढंग से पूजा करवाते हैं। हमारे साथ है मंदिर के अध्यक्ष जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि आस्था और विश्वास को बनाए रखने के लिए छठ जरूरी है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण हो गई है वो इसलिए आए हैं, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी कुछ मनोकामना है जो कि पूर्ण होने की इच्छा से आए हैं। बाकी हमारे साथ ये जुड़े रहे इनका बहुत बहुत